चले सुनेगा सुनते फिर तो लगा रहा है किस्सों के साथ तू मेरा इम्तिहान ले रचा भगवान केवट भैया तुम कैसे जानते हो केवट बोला प्रभु मैं जानता हूँ भले ही लक्ष्मण ना जाने लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि आप मांग रहे हैं यानी एक श्रमिक को सम्मान दे रहे हैं। आजकल हम लोग करते क्या है अगर रिक्शे वाले को बुलाएंगे तो ये नहीं कहेंगे भैया जरा आना नहीं ए रिक्शा जैसे उसका नाम रिक्शा ही हो और रिक्शे वाला भी धन्य चला आता है और लेकिन आज प्रभु आप मांग रहे हैं और जब मांगते हुए देखा तो पता चला कि एक श्रमिक को इतना सम्मान देने वाला कोई आदमी नहीं भगवान ही होगा लेकिन केवल आ नहीं रहा है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये लगता आपकी भाषा समझ नहीं पा रहा है इसकी भाषा के जानकार हम हैं हमको थोड़ी बात कर लेने दो वो जरा अठू मिजाज के थे बोले थोड़ा हमको बात कर लेने दो राम जी बोले नहीं लक्ष्मण ये हमारा भक्त है बोले आपका भक्त है आप बुला रहे आ नहीं रहा है तो राम जी बोले मेरा भक्त है मेरे भक्त ऐसे ही है लक्ष्मण जी बोले वो तो हम समझ रहे हैं क्योंकि सुमंत जी हैं उनसे कहा लौट जाओ सुमंत जी जा नहीं रहे हैं केवट आकर आओ सो केवट आ नहीं रहा है मतलब एक जाता नहीं एक आता नहीं ऐसे भक्त आपके ही होंगे राम जी बोले बात ये नहीं है बात ये है मेरे भक्तों के अंदर भक्ति का दर्शन है प्रदर्शन नहीं है और एक बात और बताएं ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है क्यों क्योंकि लक्ष्मण हमारे यहाँ एक ऐसा नियम है लोग कहते हैं परंपरा चली आ रही है कि सवेरे सवेरे कोई दुकान खोल ले और कोई उधार लेने आ जाए तो लोग कहते क्या यार बहू ने खराब कर दी
तो बोले उससे और ना आने से क्या मतलब है? बोले मतलब ये है तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। वनवास किसको मिला था? बोले आपको प्रभु। बोले तैयार तुम हो गए हमने रोका माने? बोले नहीं। तैयार सीता जी हो गई हमने रोका माने? बोले नहीं। बोले हम तो समझ गए कि घर से ही बहुनी खराब हो गई, अब कोई माने गई नहीं। लेकिन केवट आया प्रभु के पग धोए, क्यों? क्योंकि भैया जी छुअत सिला भई नार सुहाई, पावन दे कछुकाट कठिनाई, भगवान के पैरों को धोया, मैया के पैरों को धोया, नैया में बिठा लिया। आप आदर्शी बुलबुल सिंह राशि गांव से आपके करकमलों से ये 1000 पद मुद्राओं की राशि प्रदान हुई है, मेरी ओर से ढेर सारा धन्यवाद है, नमन है। आइए आइए, अब नैया में राम जी बैठ गए। दीदी जी अब नैया डोल गा रही है, चल गा रही है, कहा तो नैया गंगा मैया पे तैर रही है। अब ये गंगा मैया कौन है? कौन है? सुनिएगा गीत को कि उतरी ऊपर से ऊपर जो धार है, जिसका पानी पावन, जिसका पानी पावन, तो जिसका पानी पावन जो रही है पावन, जो भगवान के पैरों में रही है, जिसका पानी पावन जो रही है पावन, नीचे नहीं आके गंगा मैया वही, नीचे गंगा नीचे नैया के गंगा मैया वही, लेकिन कि जिसने अपने पावन नाक डाला त्रिभुवन, जिसने अपने पावन नाक डाला त्रिभुवन, ऊपर नहीं आके हैं रघु रैया। भाई भगवान गगन भगवान राम रूप में आए, ऊपर नैया के हैं रघुरैया वही, लेकिन लेकिन अब नैया में केवल रघुरैया नहीं है, सुनिएगा और कौन है? सुनिए, निकली सागर से लेकर जयमाल है, दीदी जी सुना सुना, निकली सागर से लेकर जयमाल है, चुनाव सीनों को डाली बरमाल है,
उसमें कौन कौन लोग है सुनना सुनना कि जिनसे भूषते सदाई महेश है कि जिन पे करते सयन वो रमेश है और ना कोई वो स्वयं निखिले सहे कि जो है धारे धरन जो धरती को अपने शीस पे रखे हुए हैं वो कि जो है धारे धरन बहन जी कि जो है धारे धरन वो भी करते विचरण ऊपर नहीं आके लक्ष्मण भैया वही से सब तारी जाओ वही लक्ष्मण भैया है लेकिन लेकिन कल्पना की किरण उठती है ऊपर नहीं आके देखो खिवैया वही अरे तुमरो नाम का व्यजियक्ष जो जो काट बन के आया उसी के बनी ये नैया वही है सुनेगा लेकिन कि जिसने धोए चरण शत्रुघ्न वेद प्रकाश गाया है कल्पना जी ने मैं भी प्रयास कर रही हूँ बन जाए बिल्कुल तर्ज बहुत अच्छी आई है कल्पना जी बहुत सुंदर से तर्ज का आपने चुनाव किया है सच मानिए दिल खुश हो गया बाग बाग हो गया बिल्कुल आपने गाया है लेकिन मैं क्या कह रही हूँ अरे कब से बैठी हूँ मैं इंतजार में ये बात
जोर से ऊपर मैया के देखो भैया, वही जिसने धोए चरण निर्मल है वही। बहुत सुंदर सी बात आई है, जिसने अपने ऊपर मैया के देखो रग रैया वही। गंगा मैया की भी उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है और उसी गंगा के ऊपर नैया है और नैया के ऊपर रघुरैया है। उत्पत्ति चरणों से हुई है भगवान विष्णु के। अब देखिए जवाब में प्रयास कर रही हूँ। आपने माता गंगा को लिया है, पतित पावनी कहलाती हैं, लेकिन एक मैं भी मैया ले रही हूँ भैया जी, एक मैया मैं भी ले रही हूँ। आपने चरण लिए हैं और मैं कहाँ से ला रही हूँ, एक प्रयास देखिएगा। हाँ हाँ शाबाश भैया जी, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मानस में पढ़ने में मिला है कि जा मच्छन ते बिना प्रयासा मम समीप नर पावई वासा। भगवान राम ने स्वयं कह दिया है, भगवान राम ने खुद कहा है, बिना प्रयास के अगर कोई भी व्यक्ति भूले से भी शरीरों में स्नान कर लेता है तो वो मेरे धाम को पा लेता है। जय 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 भैया, मम समीप नर पावई वासा। और माता शरीरों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से हुई है। आपने विष्णु जी के चरण लिए हैं जिससे गंगा की उत्पत्ति हुई है, लेकिन इधर भगवान विष्णु के नैनों से माता शरीरों की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए उनको नैनजा भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, पहली बात दे रही हूँ सुनिएगा। उस नौका में दादा माता भ्राता है, लेकिन इधर देखिए, इधर गंगा की बात आपने ली है, मैं माता सरयू की ले रही हूँ। चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक बार सरयू में जल विहार कर रहे हैं। भैया जी जल विहार कर रहे हैं, बस वहीं से देखिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सरयू की उत्पत्ति नैनों से हुई है विष्णु जी के। जब आप सुनेगा चले चले उसका सदा तेरा मान है, चली उसका सदा तेरा मान है। किसका मान सरयू का जग में सम्मान है, नैनों से वो मिली भगवान हरि के। भैया जी शरीर का एक अंग आपने लिया है, शरीर का एक अंग मैंने लिया है, बस उसी अनुसार देखेगा कहना पड़ा। अरे जिनके प्यारे नया ओ आए रे, भैया जिनके प्यारे नयन, जिनके प्यारे नयन अर्पित करते नयन, जिनके प्यारे नयन। भगवान भोलेनाथ की तपस्या पूजा करने जा रहे हैं, एक पुष्प कम पड़ गया नयन कमल चढ़ा दिए। भगवान भोलेनाथ के पूजन में जब एक पुष्प कम पड़ा भैया जी तो कहना पड़ा, अरे जिनके प्यारे नयन भगवान विष्णु के, अरे जिनके प्यारे नयन अरे अर्पित कर दे नयन ऊपर नैया के सिरी, ऊपर न
भी वही वही विष्णु हैं। और जब राम बन के आए सरयू में जल विहार किया, उस सरयू पर जल विहार कर रहे हैं, नौका पर चारों भैया बैठे हैं, उधर नौका पर तीन हैं लेकिन मैया है, लेकिन इधर चारों भैया है। तो कहना पड़ा भैया भैया अरे ऊपर नहीं आते देखो श्री राम है वही दूसरी बात देखिएगा भैया जी संग में शेष संग में जो धरती को धारते साथ में है शेषावतारी भैया लखन लाल। तो देखिएगा भैया नीचे से उस पर धरती, धरती के ऊपर सरयू, सरयू के ऊपर ये चारों भैया, और ये चारों भैया में मेन है हमारे शेष नाग भैया यानी लखन लाल जी। भैया और सरयू के ऊपर नाव है और नाव के ऊपर हमारे लखन लाल है यानी चारों भैया है। सुनेगा कैसे शेष संगी में धरती के शेष संगी में वो धरती को धारते और वही जो धारे धरे प्रभु के ऊपर नैया के मैया के नैया और नैया में देखे कौन नैया में भैया भैया जी सुनेगा ऊपर नैया में देखो श्री गंगा मैया, एक मैया मैंने ली सरयू मैया, आपने चरणों से उत्पत्ति दिखाई, मैंने नैनों से उत्पत्ति दिखाई, आपने तीन लोगों को लिया है दाता माता भ्राता, लेकिन इधर चारों भैया उस नैया पर हैं। ये मेरी ओर से आपके बड़े ही सुंदर से गीत और खंड गीत का प्रयास और कुछ आशीर्वाद आए हैं।